हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ मैक्स स्टूडियो का स्टूडियो फिक्स फ्लूइड। इसमें 15 जो फाउंडेशन है उसको अप्लाई किया है मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए, और ये कैसा है ये भी मैं बताऊंगी, तो एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों इस वीडियो को। मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। पहली बार मैंने मैक का फाउंडेशन अप्लाई किया था, और उसके पहले मैंने प्राइमर और मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया था फेस पे, और ये ब्लेंड बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा था दोस्तों, और पूरा मैट फिनिश लुक दे रहा था। ये फाउंडेशन अप्लाई करते ही तुम लोग देख पाओगे ये बहुत लॉन्ग टाइम तक तुम्हारे फेस पे स्टे करेगा। ओवरऑल मुझे मैक का फाउंडेशन बहुत पसंद आया है दोस्तों। मैं परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिन्हें बहुत अच्छा एक मैट फिनिश लुक दे ऐसा कुछ फाउंडेशन चाहिए जो लॉन्ग टाइम तक स्टे करे, तो इसलिए मैक का स्टूडियो का फाउंडेशन तुम लोग खरीद सकते हो। इसके बाद मैंने न्यूट आई शेडो अप्लाई किया है क्योंकि मैंने यह डे मेकअप लुक को क्रिएट किया था। मैं एक डे ग्लोई मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा हाथों से ग्लिटर को अप्लाई कर रही हूँ। मैंने लोअर आई लाइन में भी थोड़ा सा आई शेडो अप्लाई किया है ताकि मेरा आई मेकअप लुक ज़्यादा डिसेंट लगे। मैंने सिर्फ मस्कारा अप्लाई किया है और मैंने कोई भी काजल नहीं अप्लाई किया है, सिर्फ लोअर वाटर लाइन में और कॉर्नर पे मैंने हाईलाइट किया है सिल्वर कलर का एक आई पेंसिल लेकर। मैं फिर से थोड़ा सा ग्लिटर टाइप ऑफ आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ ब्लू हेवन का ब्लशर को अप्लाई किया है, और फिर मैंने यहाँ मार्स का हाइलाइटर को भी अप्लाई किया है। ये भी मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। अगर अभी तक कम बजट पे कोई हाइलाइटर ढूंढ रहे हो इसको ट्राई करना। इसके बाद मैंने के ब्यूटी का लिप क्रेयन को अप्लाई किया है। ये मैट लुक देता है, लिप को ड्राई भी नहीं करता। तो ओवरऑल मेरा मेकअप लुक क्रिएट हो चुका है। होप सो आज का वीडियो तुम लोगों को पसंद आया हो, तो मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना, इस वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मैं फिर चली आऊँगी ऐसा ही कुछ मेकअप लुक क्रिएट करके। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, सब अच्छे रहना।